अगर आप भी तकिया लगाकर सोते हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। दरअसल तकिया लगाकर सोने की वजह से कई ऐसे गंभीर बीमारियां सामने आ रही है जिससे आप परेशान हो सकते हैं। तकिया लगाकर सोने से कई बार डॉक्टर भी लोगों को मना कर चुके हैं, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं होते हैं। फिलहाल जो खबर निकलकर सामने आई है उसने सबको हैरान कर दिया है। आखिर तकिया लगाकर सोने से डॉक्टर क्यों मना कर रहे हैं और तकिया लगाकर सोने की वजह से आप किन किन बीमारियों का शिकार हो सकते हैं, इससे जुड़ी पूरी खबर देखिए इस खास रिपोर्ट में। सेहतमंद रहने के लिए अच्छी नींद लेना आवश्यक है, नहीं तो इससे गंभीर बीमारियों के होने का खतरा बना रहता है। इसके अलावा अधूरी नींद से बॉडी का संतुलन भी बिगड़ने लगता है, जिससे थकान और कमजोरी की समस्या हो सकती है। लेकिन सोते समय की गई आपकी कुछ गलतियों की वजह से सेहत से संबंधित और परेशानियां बढ़ सकती है। सोते समय अधिकतर लोग अपने सिर के नीचे तकिए लगाते हैं, वहीं कुछ लोग तो एक नहीं बल्कि दो दो तकिए का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या तकिया लगाने की आदत सही है? सोते समय सिर के नीचे तकिया लगाने से क्या शरीर को नुकसान होता है? आज हम आपको इन्हीं सभी सवालों का जवाब देंगे। हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार सोते समय सिर के नीचे तकिया लगाने की आदत नियमित रूप से अगर आप तकिए का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको गंभीर बीमारियों के होने का खतरा बढ़ सकता है। सिर के नीचे तकिया लगाकर सोने से गर्दन, कमर, कंधे और रीढ़ की हड्डी में दर्द हो सकती है। इसके अलावा इससे माइग्रेन और सर्वाइकल की समस्या भी हो सकती है। जो लोग सोते समय अपने सर के नीचे ऊंचा तकिया लगाते हैं उनकी खोपड़ी तक खून का संचार सही तरीके से नहीं होता है, जिसकी वजह से बालों को पर्याप्त मात्रा में पोषण नहीं मिल पाता है। ऐसे में व्यक्ति के बाल झड़ने लगते हैं, जिसके बाद न तो उसके बाल बढ़ते हैं और न ही घने होते हैं। वहीं जो लोग दो तकिए लगाकर सोते हैं रात में उन्हें अच्छी नींद नहीं आती है, रात भर वह करवटे बदलते रहते हैं और जब व्यक्ति की नींद अधूरी रह जाती है तो इससे दिन भर उसे स्ट्रेस रहता है, उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता। अगर लंबे समय तक व्यक्ति की नींद पूरी नहीं होती है तो इसका प्रभाव उसके मेंटल हेल्थ पर भी पड़ सकता है। सिर के नीचे जब हम बिना तकिया लगाकर सोते हैं तो इससे गर्दन और रीढ़ की हड्डी में दर्द नहीं होता है। इसके अलावा रीढ़ की हड्डी की पोजीशन सही रहती है, जिससे कमर, हाथ और गर्दन में दर्द नहीं होता है।